जैनम जय गुरु शासन। मोक्षा प्रकाशक पेज नंबर 231 निर्जरा तत्व का अन्यथा बोध। ये प्रकरण अपन ने क्यों चालू किया था? अपनी चर्चा चल रही थी तप की, शाओ के षट आवश्यक, 6 आवश्यक में एक आवश्यक का नाम क्या है? तप। और 4 आवश्यक 5 आवश्यक क्या है? इससे पहले के 4 क्या है? देव पूजा, उपासना, स्वाध्याय, इसके बाद में तप, फिर है दान। इसमें कई लोग ये भी कहते हैं गृहस्थों के 2 ही कार्य हैं, पूजा और दान। पूजा और दान ये गृहस्थों के कार्य हैं। क्या ये 2 ही कार्य मुख्य है? बाकी किसके हैं? बाकी सब तो मुनिराजों के हैं। तो ऐसा नहीं है, उपवास, संयम और गुरु उपासना कौन करेगा? गुरु करेंगे, गुरु की उपासना और स्वाध्याय, इसके बिना जानकारी तो ये सब, हाँ, इसके बिना हम क्या समझेंगे क्या कि धर्म है क्या? तो ये सब भी श्रावकों के ही है। तो फिर लिखा तो है, शास्त्र में आता है सब, देव पूजा और दान, पूजा और दान ये गृहस्थ के मुख्य कार्य हैं। तो मुख्य है इसका मतलब क्या है? तो मुख्य है, मुख्य तो है, तो देव पूजा और दान मुख्य है। तो देव पूजा फर्स्ट वाला ले लिया आदि, और दान वाला अंत वाला ले लिया, तो बीच के तो उसमें शामिल है भैया। ये कहाँ से बात है कि बीच के उसके अंदर शामिल नहीं है? रीम बोला अपन ने, रीम, तो रीम में अपन ने ऋषभनाथ को याद किया, महावीर को याद किया, तो बीच को अपन ने नमन नहीं किया। आगे उसमें ये पद्धति रही है, पहले वो आदि और अंत की चीज़ को बोल के बीच की चीज़ों को समझ लेते हैं उसमें, और उसमें अपन अपनी बुद्धि लगाओ, नहीं भगवान की पूजा और दान ये 2 ही मुख्य है। तो पूजा और दान, तो पूजा में भी देवे और दान में भी देवे, उससे ले लो, और क्या मुख्य क्या है? स्वाध्याय, संयम, उपासना, स्वाध्याय, संयम, गुरु उपासना और तप, वो भी उसके लिए मुख्य है। संयम तो जीवन के हर अंग में मुख्य है, संयम, तप, गुरु उपासना, स्वाध्याय। और स्वाध्याय तो परमो तप का है, स्वाध्याय परम तप का, तो इसलिए ये सब स्वाध्याय से पुण्य भी होता है। हाँ, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है ये कि ये 2 ही है मुख्य, 6 आवश्यक मुख्य है, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म प्रतिदिन करने योग्य कहे हैं, 6। 2 ही है ऐसा नहीं है, सभी करें, वो 2 ही क्यों करें? लेकिन ये सब मतलब उसका अर्थ नहीं निकालो बराबर, तो ये सब चीज़ें निकाल दो उसमें अपनी बुद्धि से कि देव पूजा और दान मुख्य कहा है, तो देव पूजा दान मुख्य कहा है, तो 2 ही करने योग्य है। तो उसका मतलब है कि 2 के बीच में जितने आए वो भी सब करने योग्य हैं, और ये 2 भी करने योग्य हैं। ये तो 6 का नाम ले लेके कहाँ तक बताते हैं? 6 का नाम नहीं लेके 2 के नाम ले ले, सब आ गए इसमें। बड़े वाले को भी निमंत्रण है, छोटे वाले को भी निमंत्रण है, सबको निमंत्रण। और क्या बोले आप? 4 भाई है, अब 6 भाई है, ऊपर वाले को न इसको न उसको 6-6 बार किस किस का नाम बोले, न किस किस की पत्नी के नाम बोले, न उनके बच्चों के नाम बोले। तो सीधे सबसे बड़े वाले का कह दिया सबसे बड़ा वाला आना चाहिए, सबसे छोटे वाले को कह दिया, एक बार कह दिया कि सब आना। अब सब आ गए कि नहीं आए? मोतीलाल हरक चंद एंड सन्स, एंड सन्स कौन कौन से हैं? सब आ गए, सन्स जितने भी। तो आजकल स्थिति नहीं है, सबकी सेपरेटेड, वो अलग सेपरेट अलग बात। लेकिन पहले फर्म चलती थी, तो फर्म में एंड सन्स, एंड सन्स में एंड सन्स, जब तक सन्स है तब तक, जब तक उनकी फर्म है, फिर वो एंड सन्स ही बंद हो जाएंगे, वो उनका खुद का कोई सन हो जाएगा, एक अलग चीज़ है। तो इसलिए वो 6 ही कार्य आवश्यक है, बात तो ये है। अब देखो अपन ने यहाँ बात की थी कि ये यहाँ फिर प्रश्न है कि पेज नंबर 231 निकाल। यहाँ फिर प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, वहाँ बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा ना हो? मैंने प्रश्न ये चल रहा है कि भाई उपवास को निर्जरा का कारण मानो, मैंने ये शिष्य का आग्रह है शुरू से एक ही इसी बात पे वो डटा हुआ है कि हम ये जो सब उपवास कर रहे हैं इसको आप निर्जरा मान, और वो पंडित जी तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं कि इसको निर्जरा मान नहीं, निर्जरा तत्व के बारे में विपरीत मान्यता है, अन्यथा स्वरूप उसको, अन्यथा उसके बारे में भूल है, जो निर्जरा नहीं है उसको तुम निर्जरा मान रहे हो। तो फिर उसने प्रश्न किए सारे, यदि ऐसा है तो शास्त्र में ये तपों के अंदर नाम क्यों दिए इनके, और तपसा निर्जरा क्यों कहा? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि तप का अर्थ इच्छा निरोधस्तप, इच्छाओं का निरोध होना होता है, तो जहाँ शुभाशुभ समस्त इच्छाओं का निरोध होता है उसका नाम तप है। उपवास की इच्छा भी ज्ञानी जनों को नहीं होती, तो फिर इच्छा काहे की होती है उनको, कि नहीं उपवास की इच्छा नहीं होती तो काहे की, इच्छा तो उनकी काहे की है, शुद्धोपयोग की। उपवास से शुद्धोपयोग बढ़ता है इसलिए उपवास करते हैं। यदि उपवास करते हुए अपने शरीर को शिथिल होता हुआ जाने और शरीर के निमित्त से परिणामों को शिथिल होता हुआ जाने तो आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए मूल उद्देश्य उनका शुद्धोपयोग है, परिणामों की संभाल है, क्या केवल भूखे रहना उनका मूल उद्देश्य नहीं है। अपन ने क्या मान रखा है, एक तो कि शरीर का दमन वो तप है, जबकि शरीर का निरोध वो तप नहीं है, इच्छाओं का दमन, इच्छाओं का निरोध तप है। शरीर का दमन और इच्छाओं का दमन में अंतर है। हो सकता है हम शरीर को सुखा लें लेकिन इच्छाएं नहीं सूखे, ऐसा संभव है? देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक मुनिराज ने 1 महीने का उपवास किया निर्जला, और वो आहार लेने के लिए गए, निर्दोष प्रासुक उनको आहार मिल गया, उनकी विधि मिल गई, आहार मिल गया, एकदम निर्दोष आहार मिला, अत्यंत श्रद्धा भक्ति से देने वाली जो है उनको पड़गा ले गया। और जैसे ही आहार आया उनके पास में तो उन्होंने एक कण उसका ग्रहण किया, और एक कण ग्रहण करके और वापस से चले। अब लोगों को लगा सारे एक कण क्यों छोड़ के चले गए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने 1 महीने में जिस इच्छाओं के दमन का अभ्यास किया था या जिस इच्छाओं के निरोध रूप तप किया था, तो वो आहार लेने आए और ये देखा कि वो इच्छा मरी है कि नहीं मरी, तो निर्दोष आहार मिल गया, उसके बाद भी एक कण लेके चले आए, तो इससे अंतरंग में विश्वास हो गया कि इच्छा वास्तव में कुछ उसका निरोध हो गया, क्योंकि इच्छा निरोध नहीं होती तो इतना एकदम सामने के सामने मिली हुई चीज को छोड़ के नहीं जाती। अब दूसरा आदमी को लग रहा है यार इन्होंने गलती करी, यदि एक कण ही नहीं लेना था तो मतलब क्या था हार के आने का, इससे अच्छा नहीं लेते एक कण का तो एक उपवास और उनके खाते में ऐड हो जाता। ये क्या है अपने स्वयं की परीक्षा, तो वो एक और जोड़ जाता उसमें परीक्षा, मतलब अपने स्वयं की आहार मिला है, सामने वस्तु मिली और सामने मिली हुई वस्तु को छोड़ के आना, तो ये इच्छाओं के निरोध के बिना नहीं हो सकता। भोजन के पास नहीं भटकना, फटके ही नहीं अपन, लेकिन भोजन के पास गए, बिल्कुल भोजन मिल गया, सब कुछ हो गया और फिर भी भोजन को छोड़ दिया, तो इसमें थोड़ा सा पुरुषार्थ लगेगा, इसमें इच्छाओं का निरोध होगा तो होगा, यदि इच्छा नहीं मरी होगी तो वो आ ले भाई निर्दोष प्रासंगिक मिल रहा क्या नहीं। तो दूसरे लोगों को लगता है कि भाई इनका जबरदस्ती है कि इन्होंने कर्ण लेके जबरदस्ती जो है एक और एड हो जाता, फालतू में एक माइनस कर लिया, और समझ लो उन्होंने 1 महीने फिर उपवास कर लिया, तो लोगों को लगेगा 2 का रिकॉर्ड हो जाता, अभी कितने का रहा, 1 का ही रहा। तो वो उसकी दृष्टि क्या पे कितने हुए और उनकी दृष्टि किस पे कि इच्छाओं का निरोध कितना हुआ, क्या दृष्टि फेर से सारा काम है। हमारे मुंह में ग्रास कितना नहीं गया, लेकिन वो कह रहे मुंह में गया नहीं गया इससे मतलब नहीं है, अंतरंग की इच्छाओं का निरोध कितना हुआ। इसलिए वो 1 महीने आहार लेने के लिए 1 महीने तक उपवास करने के बाद आहार लेने गए और आहार मिलने पर भी एक कण लेके चले आए, क्यों? अपने स्वयं की परीक्षा हो गई, यहाँ इच्छाओं का बहुत अंशों में निरोध हो गया। अब अज्ञानियों को भले ही लगता है कि यदि वो एक कण भी नहीं लेते और एक महीने का उन्होंने उपवास किया ही था तो 2 का रिकॉर्ड होता, अब 1 का ही रिकॉर्ड बनाया। तो जिनको रिकॉर्ड बनाने का है चस्का वो उनके हिसाब से तो कुछ गड़बड़ हुई है, और जिनको रिकॉर्ड क्या मतलब इसमें कितना रिकॉर्ड बना, 3 का पिछली बार 3 का था, इस बार 5 है, अगली बार 10 का बनने वाला है। तो इसलिए वो शरीर का दमन नहीं है, शरीर सुखा लिया अपन ने, कुछ नहीं किया अपन ने, शरीर पूरा सुखा लिया, हड्डी हो गई, लेकिन शरीर सुखा भी दिया लेकिन इच्छाएं कुछ मरी नहीं है, उन्हें विषयों की इच्छाओं का रंच मात्र भी अभाव नहीं हुआ। तो कहते हैं अभी वास्तव में जिसका नाम तप है, जिससे निर्जरा होती, वो अभी नहीं हुआ। क्या? क्योंकि और इच्छाएं हो सकती है, चलो भोजन की इच्छाएं अपने नहीं की, लेकिन इच्छाएं तो अनेक प्रकार की हैं। इच्छा संसार में आहार करनी एक अकेली इच्छा है, आहार के अलावा और भी अनेक इच्छाएं हैं। समस्त इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। हाँ, सबने पहले कहा था कि जो तप करते हैं, इच्छाओं का निरोध करते हैं, क्रमशः उनका शरीर सूखता है। नहीं, क्रमशः शरीर सूखता है नहीं, शरीर सुखाया नहीं जाता, सूखता है, सुखाया नहीं जाता। तो अपने आप जो इच्छाओं का जिसके अभाव होता है उसके अपने आप शरीर में लक्ष्य नहीं जाता, तो देह की जो स्थिति होनी होती वो होती, तो शरीर को सुखाने का देह नहीं होता। शरीर सुखा भी ले, देह सुखा ले, और उसके जो है धर्म रूप परिणाम ना हो, तो उसका नाम तप नहीं है, क्योंकि देह सुखाने का नाम तप नहीं, इच्छाओं को सुखाने का नाम तप है। देह यहाँ सुखा भी नहीं किसी ने, इच्छाएं नहीं सुखी, पर वो हो जाएगा वहाँ इच्छाओं की पूर्ति करेगा, और इच्छाओं का दमन होगा, देह नहीं भी सुखी तो भी उसका तप है, क्योंकि देह को तो रखना है जिंदा, देह से संयम की सिद्धि है। यदि देह को इतना सुखा लेगा कि अकाल में मृत्यु हो जाएगी तो वो तो मर के और असंयम का पात्र होगा, देवगति में जाके, इसलिए संयम का और घात करने वाला होगा। इसलिए देह को उतना तो देगा जितनी उसका आवश्यकता, ऐसा तो ही नहीं कि वो मतलब इतना कर्कश आचरण करे कि वो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाए, तो उसमें नुकसान ही होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि यहाँ तो थोड़ा संयम का पालन हो रहा था, और देव पर्याय में तो संयम का कोई अवकाश ही नहीं। इसलिए उत्सर्ग सहित अपवाद है और अपवाद सहित उत्सर्ग है, मतलब एक्सेप्शन सहित राजमार्ग है और राजमार्ग सहित एक्सेप्शन। इतना कर्कश आचरण भी नहीं करे कि देह का विघात हो जाए, और इतना मृदु आचरण भी नहीं करे कि संयम का ही विघात हो जाए। दोनों की मैत्री होती है, उत्सर्ग और अपवाद की, और मैत्री द्वारा सुस्थित पना होता है, जहाँ एक जगह खींचातानी करे, तो खूब मृदु हो जाए, मृदु होना शरीर ठीक रहना चाहिए, संयम का घात होगा उससे। खूब कर्कश हो, संयम तो ठीक है लेकिन शरीर का ही घात हो जाए, इसलिए वो बैलेंस था। शरीर के सुखा, सीधी सी बात है, शरीर के सुखाने का नाम तप नहीं है, इच्छाओं के सुखाने का नाम तप है। और इसीलिए इनमें इंद्रियों, इनमें तो जैसे देह है, तो देह से यदि देह में सामर्थ्य नहीं उपवास करने की, तो वो रस परित्याग करे, उनोदर करे। उनोदर में भी इच्छाओं का कम निरोध नहीं है, हाँ, आपकी थाली में अब सब तरह के व्यंजन बने और सब बढ़िया बने, एकदम एकदम मजेदार, जायकेदार, और अब उसमें भूख से कम खाना। सामने थाली में आई हुई चीज सामने वाला अच्छे से परोस रहा है, और ऐसे में संयम रख के और भूख से कम खाना, बहुत इच्छाओं के निरोध की जरूरत है। क्या उपवास तो कभी कभी करते हैं, लेकिन ये तो अपन रोज कर सकते हैं ना। आदमी कम खाने से कोई नहीं मरता, ज्यादा खाने से तकलीफें होती सारी। क्या? तो वो तो रोज की तप है, आप रोज कर सकते हो, भूख से कम खाने की आदत डाल। लेकिन ये बनती नहीं है। इधर एक तरफ हम उपवास कर लेंगे, उपवास से पूरा पेट मिल जाता है, यहाँ आपने कितनी भूख है, क्या नहीं है, किसको मालूम, मतलब खाओ आराम से। लेकिन ये सब अपने लिए है ना, ये तो अपन जानते हैं अपनी भूख है कि नहीं, कितनी है, भूख से कम खा। जैसे रस परित्याग करना, रसीला भोजन हो और रसदार हो, रस छोड़ के भोजन करो, नमक छोड़ के करो। इच्छाओं का निरोध है उसमें क्या, और वो भी एक एक दिन एक एक रस छोड़ना, क्योंकि समझ लो कोई रस जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया तो हो सकता है उसकी हैबिट डल जाए। तो आप रोज 6 दिन खा रहे हैं, एक दिन नहीं खा रहे, तो अब उसमें क्या है कि 6 दिन खा रहे हैं तो शरीर को भी मिल रहा है तत्व, जो उस रस से मिलना चाहिए शरीर को भी तत्व मिल गया, और बराबर एक दिन जिस दिन नहीं खाया तो उसे पता भी चला कि हाँ ये नहीं, तो रस को भी एकदम नीरस लगेगा, मतलब रसना इंद्रिय को नीरस भोजन लगेगा। इसमें बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है। मैं तो मानता हूँ कि रविवार को बिना नमक का भोजन खाने वाले का उपवास है एक तरह से बहुत बड़ा, और वो उसमें यही है कि वो नमक छोड़ के मीठा नहीं बढ़ा दें। दूसरे रस बढ़ा लेते हैं तब, सब तरकीबें लगा रखी है सबने, क्या है सारे उपाय लगा रखे धर्म करने के अंदर, किस तरह से अपने विषय भोग चलते रहे और धर्म भी हो जाए, सारी गलियां निकाल रखी अपने। जैसे जैसे इनकम टैक्स से बचने के लिए सारे अपन निकाल लेते रास्ते, जैसे धर्म में भी अपन ने अपने सारे रास्ते निकाले। विवेक संयासन, एकांत में सोना, गद्देदार में सोना, मतलब कर्कश कठोर भूमि पे सोना, काय क्लेश, शरीर का सुखिया स्वभाव नहीं होने देना, आराम की आदत नहीं होना शरीर को, तो ये सभी है तब तो। लेकिन बस वो वहीं पे सारा जम जाता है, वो उपवास पे, बाकी तो कुछ है ही नहीं, अस्ताती नहीं, मतलब भूख से कम भोजन करना है। एक तप है, उनोदर की तप है, नाम है उसका अनशन उनोदर, रस परित्याग, विविध अटपटी प्रतिज्ञा लेके भोजन करना। और दूसरा ये अपने लौकिक जीवन को भी सुखी बनाने के लिए, देखो जिनको बिना नमक के खाने की आदत होगी वो कभी किसी के ऊपर रोष नहीं कर सकते कि अरे नमक कम डाला, क्या ये खाना ही क्या है। लौकिक में भी सब सुख शांति, उनकी पत्नियां कभी किसी नाराज नहीं, भैया बहुत संयमी आदमी, जैसा खिलाओ वैसा खा, और नहीं तो रसीला भोजन चाहिए तो कितने बना ले, संतोष नहीं आएगा ना उससे। तो इसलिए तो अपने लौकिक जीवन को भी अच्छा आनंदमय बनाने के लिए, यदि खूब रसना इंद्री का लालसी है, लोलुपी है, तो वो क्या है, चल पत्नी चौके चूल्हे में लगी रहेगी, और क्या है कभी इनको ये बनाना है ये बनाना, और घर में बैठा रहे किसी दिन तो परेशान हो जाए क्योंकि इस तरह से शाम को कुछ न कुछ बना के ला। कर्फ्यू आता था ना, कर्फ्यू हमारी हमारी माता जी बहुत परेशान हो जाती ये क्या आगे कौन सी बना लोग और आ गए इधर उधर वाले। अब मतलब वो क्या है, जहाँ जितनी इंद्रियों की लंपटता दुख के कारण, शरीर के सुखिया की आदत नहीं हो तो सुख के कारण। सब में मूल उद्देश्य जो है ना, मूल उद्देश्य अपने मन और इंद्रिय का दमन होना चाहिए। मूल तो अपना शुद्धोपयोग की प्राप्ति है, और शुद्धोपयोग की प्राप्ति का साधन अंतरंग तप है, और उस अंतरंग तप का साधन बहिरंग तप है। देखो यहाँ प्रश्न ये है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, तो वहाँ बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, ऐसा लिखा है शास्त्र। 2 प्रकार की निर्जरा होती है, कौन कौन सी? सकाम और अकाम। सकाम निर्जरा किसे कहते हैं? जो काम की हो सकाम, जो बिना काम की हो अकाम, सकाम काम सहित काम की हो, अकाम बिना काम की। तो बिना काम की और काम की निर्जरा में क्या अंतर है? नहीं वो तो ठीक है वो, लेकिन उसमें सकाम में क्या होता है, अकाम में क्या होता है? तो सकाम निर्जरा जो है वो काम की है, काम की है मतलब वो संवर पूर्वक निर्जरा है, और अकाम निर्जरा है वो काम की नहीं है। काम की क्यों नहीं है? मतलब कि वो तो वास्तव में बंध सहित निर्जरा है। अकाम निर्जरा का क्या मतलब है? देखो कोई कर्म उदय में आया, उदय में आया है, अपन उसको उदय में लाएंगे, उदय में स्वयं आया, और उदय में आते हुए कर्म को शांतिपूर्वक सहन करेंगे, और शांतिपूर्वक सहन किया अपन ने तो पाप का उदय आया, तीव्र रोग आया, रोग को अत्यंत शांतिपूर्वक मैंने सहन किया, रोग बुलाया भी नहीं, चल के आया, आया चल के शांतिपूर्वक सहन कर लिया, परिणाम नहीं बिगाड़े। तो अब इसमें निर्जरा तो होगी सही, जो भी कर्म उदय में आता है वो उदय में आके खिल जाता है, उसकी निर्जरा होती है। तो निर्जरा तो हुई यहाँ पे, लेकिन उस निर्जरा के साथ में वो जो शांतिपूर्वक हमने सहन किया तो उससे क्या हुआ कि पुण्य का बंद हुआ, लेकिन केवल कर्म चला ही गया हो, बंदा कुछ नहीं हो तो ऐसी बात नहीं। और सकाम में ये अकाम निर्जरा का स्वरूप है, अकाम निर्जरा में उदय में आया कर्म, शांतिपूर्वक उसको सहन किया, उससे पुण्य बंद हुआ, पुराना कर्म उदय से आके खिल गया, बंद पूर्वक निर्जरा, लेकिन बंद पुण्य का हुआ है, पाप का नहीं हो, ये विशेषता। और पुण्य बंद नहीं हो तो क्या हुआ, आया खिल गया, बंद नहीं हुआ, तो बंद नहीं हुआ मगर सकाम निर्जरा बंद हुई। और न केवल बंद नहीं हो अपितु आगामी काल में जो उदय में आने वाला कर्म हो उसको भी उदय में लाके और वर्तमान में भोग लेना और नए बंधन नहीं करना, परिणाम विशेष की सामर्थ्य के द्वारा, तपस्या आदि के द्वारा अनेक काल आगे जो कर्म उदय में आने वाले हैं उनको वर्तमान में उदय में लाकर खिला देना तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा। जो आम कल पकने वाला है उसको आज ही पका लेना, पाल वगैरह में डाल के जल्दी पका लिया उसको, और एक सहज स्वभाव से जब पकता तब पकता, तो सहज स्वभाव से पकना माने अकाम निर्जरा, पक्का और फल दिया उसने, और ये पकने के पहले ही उसको फल भोग लेना। तो इसमें बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है सकाम निर्जरा, और सकाम निर्जरा जो है वो मोक्ष का कारण है, अकाम निर्जरा मोक्ष का कारण नहीं, क्योंकि अकाम निर्जरा में वो तो अपने उदय में खिला है, और वो निर्जरा में तो निर्जरित तो हुआ है, लेकिन वो निर्जरा के साथ में उसने बंद भी किया, वो हिसाब किताब बराबर हो जाता। एक समय प्रबंध बनता था, 6300 बनते थे और 6300 उदय में आते थे, तो बैलेंस बराबर रहता था। लेकिन उसमें इतना ही फायदा था कि पाप नहीं बनता है, पुण्य बनता है, और उदय में आता है वो सहज। और वो उदय में आया तो देखो, बंदा तो एक समय प्रबंध बंधे गई, अब एक बंद नहीं है और एक ही उदय में खिल रहा है, तो आपका नुकसान क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। और अनेक समयों के समय प्रबद्ध एक साथ उदय में आके खिले, और बंदा समझ लो एक समय प्रबद्ध, तो बैलेंस तो निर्जरित हुई, क्योंकि अनेक समय के समय प्रबद्ध हमने उदय में लाके भोग लिए। जो 10 आम 10 दिन में पकने वाले थे उनको एक ही दिन में पका लिया है, और एक दिन में पका लिया तो 10 आम एक दिन में पका लिए, और एक आम का हमने पैसा दिया एक आम का, और मिले कितने, 10 आम। ऐसे एक समय प्रबद्ध बंधा, लेकिन उदय में कितना आया, अनेक समय प्रबद्ध, तो मूल में तो निर्जरा हुई ना, तो सकाम निर्जरा काम की। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके सरे काम तेरा। ये तो उद्यम से होती है दूसरी निर्जरा, माने वो मुनिराजों के शुद्धोपयोग के बल से होती है। उसमें असंख्यात भावों के भी जो कर्म बांधे हुए उदय, असंख्यात भावों में जो उदय में आने वाले कर्म होते हैं उन्हें आगे, माने 10 कोड़ा कोड़ी सागर बाद उदय में आने वाला था, वो वर्तमान में उसको परिणाम विशेष के द्वारा उदय में लाके निर्जरित कर दे, वो होती सकाम निर्जरा। और वो एक अंतर्मुहूर्त में उसमें सब साफ, माने कर्म भले ही 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बंधे हो, लेकिन जीव के परिणामों की इतनी ताकत है कि वो एक अंतर्मुहूर्त के अंदर 70 कोड़ा कोड़ी सागर की पूरी कर्म राशि को जला सकता है, एक अंतर्मुहूर्त के परिणामों के द्वारा, माने एक अंतर्मुहूर्त में वो सारा संसार का सफाया कर सकता है, इतनी ताकत है उसके परिणामों। मुनिराज होते ना, शुक्ल ध्यान जब चढ़ते हैं, श्रेणी मानते हैं, छपक श्रेणी, तो कर्मों का क्षय करते हैं, तो एक अंतर्मुहूर्त में क्षय कर देते हैं, एक अंतर्मन केवल ज्ञान हो जाता। अब वो यदि क्षय नहीं करे तो फिर वो जो उदय में आने वाले कर्म है वो आगे उदय में आएंगे, फिर वो उदय में आएंगे तो केवल ज्ञान कैसे होगा, लेकिन केवल ज्ञान हो जाता है, कैसे हो जाता है, अंतर्मन तो सब साफ। और हमारे क्या होता है कि हमारे समझ लो पाप उदय में आता है, कोई भी कर्म उदय में आता है, तो हम उसको इतना ही है, उसकी उतनी तीव्र इंटेंसिटी में नहीं भोगते हैं, उतनी तीव्रता नहीं होती परिणामों में, तो अपने को वैसा का वैसा पाप नहीं बनता, मंद भाव से भोगते हैं, पुण्य बनता है, लेकिन वो शुद्धोपयोग नहीं होता तो उसकी निर्जरा नहीं होती। और ये अकाम निर्जा जिसको कहे इन्होंने कि जो बिना इच्छा के भूख प्यास सह लेना, जिसका नाम अकाम निर्जा, वो त्रियंचों की भी हो जाती है, अपने ही नहीं, इसलिए वो उनकी गति सुधर जाती है एकदम। बिना इच्छा के मतलब इच्छा को भूख प्यास सहना एक अलग चीज़ है, और बिना इच्छा के भूख प्यास सहना मैंने भूख प्यास चल के आया और हमने चल के उसको सहन कर लिया तो वो भी पुण्य बंध का कारण बनता। तो त्रियंच भले ही खुद चला के उपास नहीं कर रहे हैं, त्रियंचों के भूख प्यास चल के आ रही है, भूख प्यास के कारण बन रहे हैं, तो उसमें वो साम्य भाव रख ले, तो शांति रख ले, तो वो त्रियंच पुण्य बांध के और वो अच्छी गति में चले जाता है। तो त्रियंच जब इतने में पुण्य बांध के स्वर्ग चला जाता है, तो हम लोग तो उपवास कर रहे हैं, इच्छा को लोग भूख प्यास सहन कर रहे हैं, तो हमारे को निर्जरा कैसे नहीं होगी, ये प्रश्न है उसका कि उसके अकाम निर्जरा होती है, तो हमारे भी निर्जरा होनी चाहिए। वो बिना इच्छा के भूख प्यास सहन कर रहा है, हम तो इच्छापूर्वक भूख प्यास सहन कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा विशेषता है। वो इतना सा काम करने से उसको कह रहे हो तुम काम मिल रहा हो रही, देव बन रही है, ये हो रहा, सब हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हमने तो बुद्धिपूर्वक भोजन का त्याग किया, हम तो उपवास को बुला के ला रहे हैं, उसके तो उपवास का कारण बन पड़ा है, उसको खाना मिल नहीं रहा है, उसमें शांति रख रहा है। हम तो जान करके खाना नहीं मिलाने के कारण को जोड़ रहे हैं, तो हमारे निर्जरा होनी चाहिए ना, उसके निर्जरा कह दिए, हमारी निर्जरा नहीं कह रहे, तो उसका उत्तर नहीं कि उसके भी अकाम निर्जरा कही है, तेरे भी लेना हो तो अकाम ले ले, सकाम नहीं कह सकते। सकाम निर्जरा तो मोक्ष मार्गियों के ही होती है, और सकाम निर्जरा होने पर तो मोक्ष मार्ग हो जाता पूरा, मैंने वो तो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सकाम निर्जरा होती है शुद्धोपयोग के बल से, क्या सकाम निर्जरा का हेतु शुद्धोपयोग है, मैंने जब मुनिराज अपने निज आत्मा में लीन होते हैं, उस लीनता के बल से देहादि में कुछ भी होता है तो वो देहादि में होने वाली चीज़ों को अनुभूति नहीं करते, अनुभव ही नहीं करते। शरीर जल रहा है, अब शरीर जलते हुए दो स्थिति है, एक तो शांति से शरीर के जलने को सहन कर लेना, आकुलता नहीं मचाना, जोर जोर से चिल्ला है, चीखे ऊपर नमाज में, और ये जल रहा है, शरीर जल तो रहा है, पीड़ा भी हो रही है, शांत भाव से सहन कर लेना। और तीसरा ये है कि शरीर के जलते हुए काल में भी अपने प्रचुर आनंद से च्युत नहीं होना, प्रचुर आत्मिक आत्मानंद से च्युत नहीं होना, उन्हें स्व संवेदन जो मुनिराज करते हैं, स्व अपने निज आत्मा में लीन होके अपनी आत्मिक आनंद को भोगते हैं, तो उस आत्मिक आनंद में रंच मात्र भी कमी नहीं आना, बल्कि इधर आग जल रही है, आग बढ़ रही है, और उधर उनका आनंद भी बढ़ रहा है, उनके आत्मिक आनंद में कमी नहीं आना। क्यों नहीं आ रही कमी? उतना राग घट रहा, किससे राग घट रहा है? शरीर से, तो वो दुख का अनुभव नहीं कर रहे, और जो शांति से सहन तो कर रहा है, दुख तो अनुभूत कर रहा है, लेकिन दुख में क्लेश नहीं कर रहा। तो तीसरा केस ऐसा है कि जो दुख जरासी हो या हो जितना भी हो, बहुत क्लेश करे, जल रहा हूँ मैं, परेशान हो रहा हूँ मैं, ये हो रहा हूँ, इसने मेरे को जला दिया है, मैं इसको जला दूंगा, देखो तो सही, इस भाव में नहीं तो मैं अगले भाव में बदला लूंगा इसको, और इन परिणामों से मरे तो साक्षात नरक ही जाएगा, और कुछ नहीं है उसका उपाय। और दूसरा है कि भैया अपने को है, अपने पाप का उदय है पुराना, कोई बात नहीं, भोग लो, अभी नहीं भोगेंगे तो नरक मिलेगा, इन परिणामों से होगा पुण्य बंद होगा। तीसरा ऐसा है कि मेरे में है ही कहाँ ये, मैं तो अपने में हूँ, मुझ में कहाँ है ऐसा, उसकी ओर लक्ष्य भी नहीं जाए, और अपने स्वरूप में पूरी तरह से लीन रहे, स्थिर रहे, रंच मात्र भी स्वरूप से बाहर नहीं आए, आत्मा की आत्म स्वरूप की लीनता से च्युत नहीं हो, ऐसा वो अंतर्मुहूर्त काल कर ले तो उसका फल सीधे मोक्ष है, और वो दशा मुनि अवस्था के बिना बनती भी नहीं है। गृहस्थ में अवस्था में इतनी सामर्थ्य नहीं उसकी, वो उसके कुछ तो परिणाम उससे च्युत हुए बिना नहीं रहेंगे, साम्य भाव रख सकता है वो, लेकिन वो स्वरूप की लीनता हो जाए, उससे वही मोक्ष हो जाए वो संभव है। वो स्थिति किससे बन सकती? मुनिराज, क्योंकि उन्होंने वास्तव में देह रूपी परिग्रह को भी छोड़ दिया, देह से ममता छोड़ दी, इसलिए अब देह से ममता छोड़ दी है पूरी तरह से, इसलिए उनके देह पे कुछ भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अपनापन पूरा किसमें? अपने में, कि लीनता किसमें? अपने आत्मा में। प्रति समय आत्मा में रहते हैं, इसलिए देह का कुछ भी हो, देह को क्या मानते हैं? पड़ोसी। ये देह तो पड़ोसी, इसलिए जो जल रहा है वो कौन जल रहा है? पड़ोसी। हम तो कहाँ बैठे हैं? अपने घर में बैठे हैं। इसलिए मुनिराज की असली जो पूंजी होती है वो उनका होता है स्वसंवेदन, प्रचुर स्वसंवेदन। स्वसंवेदन माने स्वयं का संवेदन, आत्मा का आनंद। उस आत्मिक आनंद के बल से वो इन सब चीजों को क्षण मात्र में, चुटकियों में जीत लेते। बल उसका है आत्मिक आनंद का। आत्मा के आनंद के बल होने से उन्हें कुछ भाषित ही नहीं होता ये सब। और जितना आत्मा के आनंद का बल जिसको नहीं होता तो वो उतना घबराता है। प्रचुर स्वसंवेदन, प्रचुर मैंने खूब अधिक मात्रा में स्व का संवेदन, क्योंकि पूर्ण स्वसंवेदन को प्राप्त कौन करेगा? तो पहले प्रचुर स्वसंवेदन करेगा, क्योंकि उसके बाद की जो स्थिति है वो पूर्ण स्वसंवेदन और कुछ है ही नहीं। अनंत अवस्था में क्या है? पूर्ण निस्वरूप में लीनता। निस्वरूप की लीनता अनंत काल के लिए, एक समय के लिए बाहर नहीं जाएगा वो, क्यों? अनंत काल के लिए अपने में स्थिर हो जाएगा। तो अनंत काल के लिए अपने में स्थिर होने वाला हो जो उपयोग, उसके पहले क्या होगा? वो उसके पहले भी स्थिर होगा। स्थिर से ही तो अनंत काल के लिए स्थिर होगा। उसके पहले की दशा क्या होगा? वही दशा होगी ना, अपने निस्वरूप में लीन रहेंगे। तो वो निस्वरूप की जो स्थिरता है, तो स्थिरता के बल से वो देह में होने वाले सारे विकल्प और परिसर को जीत लेते हैं। सिगड़ी जल रही है सिर पे, कुछ जीत ली। क्यों जीत ली? क्योंकि इसमें अपनापन नहीं है। शरीर के जो जलते हुए लोहे के आभूषण पे ना दी, कुछ नहीं फर्क पड़ा। और जरा भी राग होता है इसमें तो क्या होता है? वो आग पिलाने वाला आए उसके पहले उचक जाए आदमी। आग बनाने की कल्पना से दहशत मच जाती है। देख की बात नहीं, कल्पना से दहशत आ जाती है, ऐसा होने वाला है मेरे साथ, मेरे बाप। तो इसलिए तो वो इतनी मतलब कितना राग टूट गया होगा उनका। विचार करो, देह से कितना निर्मत परिणाम होगा। सामने के सामने लोहे के आभूषण जला रहा है, जला के पहना रहा है और पहन रहे। इसलिए उसके फल में केवल ज्ञान हो भी ज्ञान। और उस समय अपने को लग रहा है कि वो दुख भोग रहे हैं, क्योंकि दुख अपने को इसलिए लगता है क्योंकि अपने शरीर के रागी है। तो अपने को लगता है कितना दुख हो रहा होगा वहां पर, क्योंकि अपने दुख का कारण शरीर का राग है। शरीर जलना दुख का कारण नहीं। देखो कोई मकान जल रहा हो, मकान जलना दुख का कारण हो सकता है क्या? ये पता चला खबर है मकान जल रहा है, मकान जल रहा है, जल रहा होगा। नहीं आप कहीं जल रहा है, अब बाहर हो गया। तो ऐसा है, वो अपनापन जहाँ बैठ गया उसमें तो वो दुख का कारण है। ये जलता नहीं कुछ भी हो दुनिया में। केवल ज्ञान हो जाता है, शरीर दुरुस्त हो जाता है। नहीं, एक्चुअल में ऐसे जीव जो अंतर्गत केवलियों के मोक्ष चले जाते हैं, तुरंत अंतर्मृत मोक्ष चले जाते, शरीर बचता था। हाँ, असंख्यात भाव के एक साथ में आते हैं साथ। फल दिए बगैर तो नहीं जाते हैं, खिल जाते हैं। फल दिए बिना तो कैसे खिलेगा वो? कुछ न कुछ अंशों में फल आएगा उसको। पूरी ताकत से ना आए, वो क्या है कि उसका संक्रमण आदि हो जाता है ना, उसका संक्रमण हो सकता है। और संक्रमित होके या अपकर्षण होके उसका उदय आ सकता है। उदय में आएंगे, उदय में एक देश रूप में उदय आएंगे, उदय में तो आएगा। लेकिन वो यही है कि वो आकर्षित होकर इतना कम मात्रा में उदय आए कि उससे कुछ प्राप्ति हो। श्रावक की जो वास्तव में श्रावक की निर्जला इसलिए बनती है, श्रावक के संवर होता है। संवर माने जितनी प्रकृतियों का बंध मिट जाता है उतना संवर है उससे। और निर्जला इस अपेक्षा से कही जाती है कि जो जिन जिन प्रकृतियों का संवर हुआ है उन प्रकृतियों की सत्ता धीरे धीरे करके क्या होती है? नष्ट होती उन प्रकृतियों। जैसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चला गया, तो मिथ्यात्व अलंकारुबंदी का नया बंध नहीं होगा, मतलब उसके मिथ्यात्व अलंकारुबंदी परिणामों से मिथ्यात्व अलंकारुबंदी कर्म बनता था। समझ आ रही बात? दो चीजें, मिथ्यात्व कर्म, मिथ्यात्व परिणाम। तो मिथ्यात्व परिणामों से मिथ्यात्व कर्म बनता है, अनंतानुबंधी कषाय परिणामों से अनंतानुबंधी कषाय बनती है। तो मिथ्यात्व अलंकारुबंदी कषाय जाने पर मिथ्यात्व अलंकारुबंदी का बंध मिट जाता है। तो बंध मिट गया, संवर हो गया, संवर हो गया। लेकिन अभी जो पुराना अनंतानुबंधी स्टॉक में पड़ा है वो क्या होगा? वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानानुवरण रूप से उदय में आके निर्जरित होगा, माने वो कायम कन्वर्ट होगा अप्रत्याख्यान। तो अप्रत्याख्यान में जो उसका कन्वर्जन है उसी को अपन कह सकते हैं कि वो निर्जरा हो रही। वास्तव में निर्जरा तो क्या हो रही है? तो कन्वर्जन हुआ, उसका परिवर्तित होता है। और धीरे धीरे यदि वो रहे लंबे काल तो उसका द्रव्य जो है सारा का सारा वो अनंतानुबंध मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व को, सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक को, और कालांतर में वही जीव धीरे धीरे करके वो सम्यक को उदय में भोग कर सम्यक से भी छुट्टी हो जाती है उसकी, और क्षयिक सम्मति की हो जाती है। विधि उसकी अनंतानुबंधी है, उदय में नहीं, अप्रत्याख्यान रूप में आई, अप्रत्याख्यान रूप में उदय, अनंतानुबंधी की वो भी सही योजना कर लेता है। विषय योजना में जितना स्टॉक में था उसको नष्ट कर लेता है। ये भी तो शाही सम्यक दृष्टि होगा, निर्जरा नहीं हो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की, तो वो शाही सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। जैसे किसी जीव ने सम्यक दृष्टि प्राप्त किया, तो सम्यक प्राप्त किया उसने, तो उसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय मिट गया, बंध भी मिट गया, सत्ता मिट गई। क्या पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट किया उसने, औपशमिक सम्यक दर्शन, तो अभी उसने पहली बार समय प्रकट किया तो उसके सत्ता गई क्या? सत्ता तो है, बंध उदय मिटा। अब वो सत्ता में से कब जाएगा? जब वो क्षयिक सम्यक दर्शन होगा। तो अभी उसके सत्ता तो है ना, जब उसको सम्यक दर्शन हुआ है तो सत्ता में पड़ा हुआ है, बंध उदय नहीं। अब वो सत्ता में से निर्जरा नहीं मानेंगे तो क्षयिक सम्यक उसको होगा ही नहीं कभी। मतलब पर होगा भी संक्रमण ना, अभी तो चेंज होगा। तो वो क्या पहले चेंज होगा धीरे धीरे, फिर बाद में वो अंत में सम्यक को उदय में लाके भोग देगा, खत्म कर देगा। नवीन बंध नहीं करता मिथ्यात्व का, और मिथ्यात्व सम्यक प्रवृत्ति, सम्यक मिथ्यात्व रूप कन्वर्ट होता है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक रूप कन्वर्ट होता है, सम्यक को उदय में लाके भोग, सम्यक उदय में आके भोगता है, और उसके उदय में आके भोग भोग के उसको समाप्त करता है। इस तरह से वो क्षयिक सम्यक हो जाता है। उसका सब विधि है। वो एक जब वो क्षयिक छपना का काम करता है मिथ्यात्व की, तो मिथ्यात्व अनंतात्म मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व परिणाम आता है, समय मिथ्यात्व सम्यक रूप, तो समय मिथ्यात्व उदय में लागे होता है। दर्शन मोह की छपना होती तो होता है सबका। तो उस अपेक्षा को देखा जाए तो निर्जरा भी उसकी, क्योंकि उसने मिथ्यात्व की निर्जरा की, अनंतानुबंधी की निर्जरा की। अनंतानुबंधी के द्रव्य को अन्य प्रकृति में परिणाम आया तो उसकी तो वो तो खत्म ही हो गया ना, वो तो निर्जरा हो गई, उसकी खत्म। नहीं, वो सत्ता में, वो तो सत्ता में पड़ा रहेगा जब तक उसका ऑप्शन रहेगा, तब तक वो सत्ता में पड़ा रहेगा, दबा रहेगा। ऑप्शनिक समय तक दबा रहेगा, छह ऑप्शन में तो दबा है, दबा है। आगामी काल में उदय आएगा, जब आएगा तब आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। सत्ता का कर्म उदय के परिणामों को, मतलब जो भी वर्तमान के परिणाम है उनको वो कुछ नहीं करता। इसलिए घुमटसार कर्मकांड में बात लिखी है कि सत्ता में पड़ा हुआ कर्म मिट्टी के ढेले के समान है। किसके समान? मिट्टी के ढेले, मतलब मिट्टी के ढेले में कुछ कार्यकारी नहीं। कार्यकारी जो उदय में आता हुआ कर्म है वो कार्यकारी है। वर्तमान आगे पीछे कुछ भी उदय में आने वाला हो, मतलब आगे पीछे का जो स्टॉक हो, वो स्टॉक से जीव का कोई बिगाड़ नहीं। बिगाड़ कब होगा? जब वो उदय में आएगा तब उस काल वो बिगाड़ करेगा। जब तक वो उस काल में, जब तक वो उदय में नहीं आएगा तब तक वो कुछ नहीं करेगा, मतलब वो उदय में आते हुए उसको प्रभावित नहीं कर सकता। अगर उसके पहले क्षयिक नहीं हुआ तो तकलीफ दे देगा। यदि उदय आएगा उसका, समझ लो क्षयिक नहीं हुआ तो उदय आएगा, आएगा जब भी आएगा तब आएगा, तो वो तब जब आएगा तब मिथ्यात्व होएगा। उदय आ गया तो सत्ता, सत्ता में पड़ा हुआ था ना वो, इसलिए जब तक क्षयिक नहीं होता, क्षयिक माने वो सत्ता से क्षय हो गया तो क्षय हो गया, और सत्ता है तो क्षयिक नहीं हुआ, और जब तक सत्ता है तो उसका उदय आ ही सकता है, इसलिए वो गिर सकता है। उदय आएगा तो गिर जाएगा। भाई तो कुछ समय के लिए अपन ने उसको उपशमित किया, दबाया है, आपने उसको रोका है, तो गया नहीं, वो तो पड़ा हुआ ही है। जैसे उसका उदय आएगा तो मिथ्या हो जाएगा, हो जाता भाई, इसलिए सम्यक शुद्ध हो जाता। तो ये सब चीज़ें ऐसी तो ही नहीं परमानेंट चीज़ है, एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो बस काम खत्म, छूट जाता है। छाई वाला तो फिर वो फिर नहीं छूटता, वो छाई हो गया, वो परमानेंट मोक्ष तक जाता साथ में, वो तीन भाव की गारंटी, तीन भाव में मोक्ष भी जाता उसको। यदि मनुष्य जन्म से क्षयिक सम्यक लेके आए कर्म भूमिया मनुष्य, तो उसी भाव से मोक्ष जाता है। यदि जन्म से कोई जीव कर्म भूमिया मनुष्य क्षयिक मतलब सम्यक लेके आया क्षयिक सम्यक, तो वो नियम से उसी भाव में मोक्ष चले जाएगा। इसलिए कितने भाव बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तीन समझ लो। इस भाव में नया उत्पन्न किया, इस भाव में नया उत्पन्न किया, समझ लो मनुष्य त्रियन चायु मान ली, तो मनुष्य त्रियन चायु पहले की बंधी हुई हो तो एक बार फिर मनुष्य बनना पड़ेगा, मनुष्य से फिर मनुष्य या मनुष्य त्रियंश, और फिर वहाँ से देव, वहाँ से मनुष्य, वहाँ से मोक्ष। ये मैक्सिमम कितने हुए, ये मैक्सिमम तीन हुए, चार किलो वही वाला मिला लो तो चार, और मिनिमम करो तो उसी भाव से भी हो सकता है, और ज़्यादा करो तो तीन भाव, यहाँ यहाँ से देव, देव से मनुष्य मोक्ष। आयु नहीं बन गई हो तो तीन, आयु मनुष्य त्रियंश की बन गई हो तो चार, और यदि उसी भाव में जाए तो एक, दो से नहीं हो सकता कभी, दो से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य पर्याय से ही क्षयिक सम्यक का प्रारंभ होता है, मैंने क्षयिक सम्यक का उत्थापना कम से कम हो सकता है, पूर्णता कहीं किसी और भाव में हो जाए, लेकिन क्षयिक सम्यक को प्राप्त करने का कार्य जो है वो मनुष्य पर्याय में प्रारंभ होता है, बीज ही मनुष्य। तो दो फिर वो भोगभूमि का मनुष्य बनेगा, वो कर्मभूमि का नहीं बनता। जो क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है तो क्षयिक सम्यक से मर के भोगभूमि का मनुष्य बनेगा, कर्मभूमि पहले ही नहीं होगा वो। कर्मभूमिया जो भी मनुष्य सम्यक दृष्टि होता है जन्म से, नियम से देव से आया हुआ होता है, नरक से आया हुआ होता है। सब हो गया उनको, एक अंतर मुहूर्त में उनको सम्यक दर्शन प्रकट किया, उपशम किया, क्षय उपशम किया। नहीं वो क्षयिक उसी समय जरूरी नहीं है कि क्षयिक हो जाए, क्षयिक बाद में हो जाए, क्षयिक पहले उपशम तो हो जाए, उपशम होगा, क्षय उपशम होगा। क्षयिक डायरेक्ट नहीं होता कभी, सबसे पहले नियम से जीव को अनादिकालिक मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले औपशमिक सम्यक होता है, औपशमिक के बाद क्षयपशम होता है और फिर क्षयिक होता है। ये क्रम है, बिना औपशम क्षयपशम के क्षयिक हो ही नहीं सकता। अपन पढ़ेंगे, अभी तो सब देखो अभी कहीं और चले जाएंगे। तो ये अकाम निर्जरा होती है शास्त्र में कही है, किसके कही है, त्रियंशों के कही है, और वो बिना इच्छा के भूख प्यास सहने से होती। तो हम तो इच्छा से सह रहे, हमको भी निर्जरा कहो, हमको क्यों नहीं खेल रहा। मतलब बार बार बात तो कह रहा ना, चाहे कि हमको कहो ना निर्जरा तो समाधान भाई देख। अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है, ठीक है। बाह्य निमित्त क्या बिना अकाम निर्जरा में निकालो ना, जिनवाणी निकालो, पेज नंबर 231 231। अकाम निर्जरा में बाह्य निमित्त तो क्या बना है, बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है, ये बाहर का निमित्त है। मैंने त्रियंश को क्या हुआ, बिना इच्छा की भूख प्यास सहन करना इच्छा। अब वहाँ क्या देखो, और वहाँ मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है, वहाँ भी मंद कषाय रूप भाव होता है, सहन तो करना पड़ा उसको, लेकिन कभी कभी उसकी भी तीव्र कषाय रहती है। अति संक्लेश भाव ते मरियो, कोई मार रहा है, समझ लो कोई मुर्गी को मार रहा है, बकरे को मार रहा है, तो सब बकरे तो ही मंद कषाय हो, तीव्र कषाय भयंकर तीव्र कषाय करे तो उसके प्रति अत्यंत संक्लेश परिणाम करे, नरक चले जाए। क्या तो तिरंज कोई सभी दूध मतलब सभी दूध के दूल्हे तो ही नहीं कि सब संक्लेश भाव नहीं करेंगे, सब मंद कषाय रूप परिणाम कर लेंगे, सब देव में चले जाएंगे। अरे बहुत परिणाम बिगड़ते हैं, सामने आदमी की मृत्यु होती ना। कोई आपको आप कल्पना करना कभी कि आपने को कोई ऐसे लेके काटे तो अपना परिणाम बिगड़ेंगे कि सुधरेंगे, बिगड़ेंगे भयंकर बिगड़ेंगे। मच्छर को काट मारने के भाव जाते हैं, मच्छर के पीछे पड़ जाते हैं। तो मतलब संक्लेश परिणाम वो जो है भूख प्यास सहना अलग चीज है, और परिणाम किस जाति के होना वो अलग चीज है। तो वो कह रहे तिरंज की भूख प्यास का निमित्त तो बनाए, लेकिन यदि हम मंद कषाय रूप भाव होंगे तो पाप की निद्रा होगी, वो देवादि पुण्य का बंध होगा, ये पक्का। यदि वह मंद कषाय होगी तो काय का बंध होगा? देवादि पुण्य का, पाप की निद्रा हो जाएगी। पाप आया होता है में फिर जाएगा, पुण्य का बंध हो जाएगा, मैंने देवगति आदि पुण्य का बंद होता है। परंतु यदि तीव्र कषाय हो तो क्या होगा? सोचो, तीव्र कषाय होगा तो क्या होगा? नरक गति का बंद होगा। तो परंतु यदि तीव्र कषाय होने पर भी, अब यदि कहते हो तुम तो कि नहीं भूख प्यास सहने से ही निद्रा होती, तो कह रहे तीव्र कषाय हुई तो क्या होगा? तीव्र कषाय होने पर भी तुम कहो नहीं कष्ट सहने से तो पुण्य बंद होता है, तो तीव्र कषाय होने पर भी यदि कष्ट सहने से पुण्य बंद होता हो तो सारे तिरंज आदि देव ही हो जाए ना। कष्ट सहने से निद्रा होती है तो सारे तिरंजों को देव होना चाहिए। फिर जो लोग ऐसा कहते हैं कि इनको मारने से हम इनको स्वर्ग ही भेज रहे हैं क्योंकि कष्ट सह रहे ना बेचारे, ऐसे नहीं सहते तो इनको कष्ट सहवा रहे हैं, इनको कष्ट सहवा के इनकी गति अच्छी हो रही है क्योंकि उससे इनको देवगति मिलेगी, क्योंकि कष्ट सहने का फल देवगति है। तो फिर वो कह रहे हैं कष्ट सहने का फल यदि देवगति है तो फिर तो जो लोग ये कहते हैं कि हम इनकी बलि दे रहे हैं वो क्या गलत कह रहे हैं कि इनको हम देवगति पहुंचा रहे हैं, और तुम्हारे को ही पहुंचाते हैं। तो ये नहीं बनता भैया, कष्ट सहने से पुण्यबंध नहीं होता। पुण्यबंध का कारण बंध कषाय रूप भाव है, उसको तो समझता नहीं हो गया कष्ट सहयो कष्ट सहयो। अरे कष्ट सहने में भी यदि कषाय तीव्र हो जाए, संक्लेश परिणाम हो जाए तो पाप का ही बंध होगा, पुण्यबंध भी नहीं होगा। इसलिए जो तू कह रहा है कि भूख प्यास हम सहन कर रहे हैं इसलिए हम इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, हम कुछ तो निद्रा करो कुछ तो निद्रा करो। पंडित जी कह रहे हैं बार बार भाई तू परिणाम को तो बात ही नहीं करता है, बस मैंने ये शरीर में ये कष्ट सहन किया, मैंने भूख सहन की, मैंने प्यास सहन किया, मैं इतनी गर्मी सहन कर रहा हूँ, इतनी सर्दी सहन कर, तेरे परिणाम की तो बता, तेरे परिणाम में क्या हो रहा है। परिणाम की तो बात ही नहीं करता है, मैंने इतना कष्ट सहन किया, मैंने इतना कष्ट सहन किया। कष्ट सहन करते समय तेरे परिणाम कैसे थे ये बता। यदि उस समय में तीव्र कषाय रूप परिणाम थे तेरे तो देख पुण्यबंध भी नहीं होगा, पाप बंद ही होगा। और यदि कष्ट सहते हुए यदि तेरे मंद कषाय रूप भाव होंगे तो गारंटी से तेरे को पुण्यबंध होगा, पाप बंध नहीं होगा। क्योंकि पुण्यबंध शरीर को नहीं होएगा कि शरीर ने कष्ट सहा तो पुण्य कहेगा, हाँ शरीर ने चाहे इतना कष्ट सहा तो अपने पुण्य बनना चाहिए। पुण्यबंध तो आत्मा को होता है, तो आत्मा को होगा तो आत्मा की क्रिया से होगा कि वो शरीर की क्रिया से होगा। शरीर आत्मा है कि आत्मा आत्मा है? कौन है आत्मा? कर्मबंध किसको होता है, देह को कि आत्मा को? तो आत्मा को होता है तो आत्मा की क्रिया से होगा कि शरीर की क्रिया से होगा? वो आत्मा की क्रिया से होगा। शरीर में भूख प्यास का निमित्त बना, कई बार बन जाता है, लेकिन वो उस समय भी आत्मा अपने परिणाम बिल्कुल करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए वो पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। तो कष्ट सहते हुए भी हो सकता है अपने परिणाम अच्छे रखे। और दूसरा केस भी बन सकता है, मैं तो कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं हो किसी के, वो परिणाम वहाँ भी बिगड़ सकते हैं। सारे केस बन सकते हैं, कोई प्रतिकूलता नहीं है, परिणाम बिगड़ सकते हैं, परिणाम अच्छे भी रह सकते हैं। सारी प्रतिकूलता है, उस काल में परिणाम अच्छे भी रह सकते हैं, परिणाम बिगड़ भी सकते हैं। ये अपन हर समय देखते हैं। इसलिए कष्ट सहने से नियामक कारण नहीं बना सकते कि कष्ट सहना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निर्जरा। हम कह रहे हैं कि निर्जरा तो दूर, पुण्यबंध का कारण भी वो परिणाम है, बंध कषाय रूप परिणाम, कष्ट सहना नहीं है पुण्य बंधने में भी। अभी निर्जरा तो बाद की बात करेंगे कि निर्जरा के इसमें कारण कौन है, लेकिन पुण्यबंध की अपन बात करो तो पुण्यबंध में भी शरीर के कष्ट सहने मात्र से पुण्यबंध भी नहीं है। शरीर के कष्ट सहने पर बंध कषाय रूप भाव हो उससे पुण्य बंध है, पाप बंध नहीं। और शरीर का कष्ट सहने पर भी यदि तीव्र कषाय हो तो उससे पाप बंध है, पुण्य बंध नहीं है। क्योंकि यदि शरीर के कष्ट सहने पर यदि तीव्र कषाय होने पर भी यदि पुण्य बंध माना जाए तो सारे तिर्यंच देव बन जाए, समझता नहीं, ऐसा होता नहीं। कितनी लॉजिक से उन्होंने बात की है एकदम। उसी प्रकार अब इसकी बात करते हैं, देखो उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से, तूने इच्छा पूर्वक उपवास किया, अनशन अनुदर आदि किया तो वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सहता है तू। सो ये बाह्य निमित्त है, ये तो बाह्य निमित्त बन गया ऐसा भूख प्यास कष्ट आदि। परंतु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। तो भूख प्यास सहन जो हुई है तो बाह्य निमित्त है, अंतरंग तो जो फल मिलेगा वो अपने परिणामों से मिलेगा। भूख प्यास सहन के काल में भी यदि विषय के शायद भी परिणाम तो फल का मिलेगा, विषय के शायद अपन भूख प्यास सहन कर रहे हैं और अपन समझ लो कोई पाप का काम कर रहे हैं, तंबोला खेल रहे हैं, अपन ने सबने कहा सब जने 100 को लाओ इकट्ठे करो और एक जने को किसी को अपन जो है बांट देंगे जितने भी इकट्ठे होते हैं, फर्स्ट नाम, सेकंड नाम, थर्ड नाम, अपन सब मिलके सट्टा खेलेंगे चालू करते हैं। वहाँ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं भाई 10 जने मिलके पैसा देते हैं, यही होता है ना गोल घूमती जो चक्री, तो चक्री में 10 जने मिलके पैसा देते हैं, फिर वो पैसा देते हैं, फिर उसमें से किसी एक को पैसा बांट देते हैं 8 गुना और 2 जना 2 रुपये वो अपनी जेब में रख लेता है। ये सीधा सच्चा सट्टे का गणित है। अब हमने भी क्या करना चालू किया, भैया आओ सब टिकट लो तुम्हारे को भी हम दे देंगे। तो सीधा सीधा इसको यदि मैं जुआ नहीं क्यों तो किसको जुआ क्यों बताओ। एक लास्ट वेगस में जाके खेल रहा है बेचारा, ये तुम यहाँ खेल रहे हो, तुम मान ही जा सकते तो तुम नहीं खेल रहे है तो जुआ ही क्या है, नहीं तो और क्या है, मतलब तुम ये तुम्हारे अंदर में सट्टे की भावना, नहीं तो और क्या है कि तुम 100 रुपये के टिकट से 50,000 रुपये की चीज चाहते, मेहनत करो यदि चाहिए धन। तो ये कौन सी बुद्धि हुई कि हमको सारी की सबके सबकी जेब का 100 रुपये का हमारी जेब में आ जाए, ऐसी बुद्धि खोटी है। लेकिन हम ऐसा करने लग जाए धर्म के नाम सब क्या करें भैया, सब जने चलो देव टिकट, टिकट का स्टॉल इतनी बजे खुलेगा, इतनी बजे ना चालू हो जाएगा। मैं जब सच में जब चीज़ें पढ़ता हूँ ना इतना दिमाग होता है नहीं क्या हो क्या है लोग, और लोग भी कितने मतलब इनकी बुद्धि देखो, इनको कितना सट्टे का शौक है, कितना पराय धन की कितनी बुद्धि है इनकी कि ये भीड़ लग जाएगी इससे, मतलब इनकी जो कहते हैं औकात अपन शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन इनकी सचमुच इतनी है, इनकी जो वक़्त है मैंने इनकी 3-4 घंटे की वक़्त ही 25-30,000 रुपये से ज़्यादा समझ ही नहीं सकते। अरे तुम्हारे एक एक समय की क्या कीमत है और किसमें अपन गुमा रहे हैं, जुए सट्टे के काम करेंगे सब, जुआ सट्टा तो क्या है पर करें। तो अब वो कह रहे हैं कि तुम भले उपवास किया तुमने, उपवास करके काम करोगे तो पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा बताओ। समझ लो उपवास करके लास्ट वेगस खेलना चले, पाप ही बनेगा भैया 100%। खेलने वाले भूख प्यास भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, खेलने वालों मैंने देखा भूल जाते हैं, तो क्या उससे हमको पुण्यमंद हो रहा होता है। दुकानदार दुकानदारी के अंदर भूख प्यास सहन कर लेता है, पुण्यमंद है। परीक्षा करने वाला भूख प्यास सहन कर लेता है, पुण्यमंद है। अरे अभिप्राय में उसके ये पड़ा हुआ है परीक्षा वाले को कि भैया मैं टॉप आऊँ, दुकानदार को एक अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाए। क्या खेलने वाले जुएड़े को यह है कि उससे उसमें लत लगी हुई है, वो हट ही नहीं सकता उससे, उसको जीतना है, वहाँ पे सामने वाले को हराना है, उसके लिए भूख प्यास उसके लिए कोई चीज़ ही नहीं। मैंने अरे गर्मी के अंदर आदमी दुकान में बैठा है, अच्छी ग्राहकी हो रही है, पंखा लाइट वाइट चलेगी, कोई बात नहीं आराम सहन कर लेता है। तो इसलिए कष्ट सहने का ही नाम यदि तुम निजरा कहोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, फिर निजरा करना मोक्ष हो जाएगा फिर तो बहुत जल्दी। इतना हल्का फुल्का होता मोक्ष तो कदम कदम पे बढ़ने लग जाता सबको। क्या जो तुमने इतनी हल्की स्तर पर उसको अपन ले आए तो कहते इतनी सस्ती चीज़ नहीं है, जो माल जितना महंगा है उसके लिए उतनी कीमत देनी पड़ेगी, नहीं उसको समझ के वो जाति का काम करोगे तो होगा। तो ये है देखो, अब आगे पढ़ते हैं। सो ये बाह्य निमित्त परंतु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार अन्न को प्राण कह दिया, लेकिन अन्न प्राण नहीं है तो अन्न प्राण क्यों कहा। अन्न से प्राणों का साधन होता है, अन्न से प्राणों का पोषण होता है, इसलिए अन्न को भी प्राण कह देते हैं। ऐसे भूख प्यास आदि सहन करते हैं, उस काल में अन्न कषाय के परिणाम होते हैं, तो भूख प्यास सहने को भी निर्जरा का निमित्त कह देते हैं। लेकिन निर्जरा का कारण तो उस समय में परिणाम है, वो बाह्य निमित्त है। जैसे अन्न प्राणों का निमित्त मात्र है, अन्न स्वयं में प्राण नहीं है। अन्न तो खूब बड़ा और खाए नहीं तो क्या होएगा, मरेगा। समझ लो कोई किसान हो, मैंने बताया पहले उदाहरण, एक किसान है और उस किसान को मैंने बताया अन्न प्राण है, अन्न प्राण, और उसको खुद को ही मालूम है अन्न प्राण, और उसने खेती बाड़ी की, लेकिन इस साल उसको अन्न कम हुआ, 11 महीने का अन्न पैदा हुआ उसको। तो उसने क्या करें, पूरे परिवार के हिसाब से हिसाब लगा लिया उसने, तो पूरे परिवार के हिसाब से इस बार उसके 11 महीने का अन्न था, तो अन्न प्राण। अब 1 महीने का अन्न कम हुआ, अब क्या करें, तो उसने अपने सारे परिवार वालों को इंस्ट्रक्शन दिए कि इस एक महीने कोई कुछ नहीं खाएगा, एक महीने सब उपवास करें। सबको उपवास कराया उसने। अब उसमें उपवास करते करते कुछ तो चले ही गए और वो भी ऐसा हो गया कि वो खाने लायक ही बचा। अब तरकीब क्या थी उसके अंदर? भाई तू एक एक दिन दो दो दिन कर लेता, एक साथ सीधे तूने ठोक दी कि चलो 11 महीने खाने के लिए एक महीने चलो पास कर ले। तो वो अन्न भी उसके प्राण के कारण का बने। अन्न तो प्राण के कारण तब बने जब खाए तो उसके कारण है, जिनने पड़े रहे तो क्या कारण है बताओ? पैसा अपने 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 सुख शांति कारण है, कब उसका उपयोग करे तो जोड़ जोड़ के रखता रहे रोज तिजोरी भर भर के, तो उसके किस काम का? कोई भी चीज़ है उसको प्राण कहा, धन को प्राण कहा तो इसलिए कहा कि धन से अन्न खरीदे, अन्न को प्राण कहा तो इसलिए कहा कि अन्न से प्राणों का पोषण करे। तो असली प्राण तो वो इंद्रिय मन आयु श्वासोच्छ्वास वही है। अन्न को जो प्राण कहा है वो उपचार से कहा है और धन को प्राण कहा है वो उपचार का भी उपचार। ऐसे ही असली जो निर्जरा का कारण है, जिस तप को निर्जरा कारण ने कहा है, तो जिस तप को निर्जरा का कारण कहा है वो तो शुद्धोपयोग है और शुद्धोपयोग का कारण अंतरंग तप है, इसलिए उसको भी निर्जरा कारण का। और उस अंतरंग तप का भी कारण बहिरंग तप है तो उसको भी कहती है। ऐसे सब उपचार के उपचार, और वो उपचार का उपचार तो समझता नहीं है, सीधे उसी को संग्रह करो, धन संग्रह करो उससे प्राण हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? धन संग्रह करने से प्राण हो जाएंगे, अन्न संग्रह करो उससे प्राण हो जाएंगे, नहीं होंगे। अन्न को खाएगा तो प्राण बचेंगे, नहीं तो अन्न वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा, ऊपर ही चले जाएगा। देखो पढ़ता हूँ मैं। इस प्रकार बाह्य साधन होने से, जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार तथा इस प्रकार बाह्य साधन होने से, बाह्य साधन माने बहिरंग तप होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती, इसलिए उपचार से इनको तप कहा। उपचार से माने औपचारिक रूप से। असली चीज क्या है? शुद्धोपयोग। उसका कारण कौन है? अंतरंग तप। अंतरंग तप किसके कारण से होते हैं? बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप न हो तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है, उपचार भी नहीं लगेगा। उपचार तब लगेगा जब वो काम करेगा। धन को प्राण कब कहा जाएगा? जब वो अन्न खरीदेगा तब कहा जाएगा। कहा भी है। अब ये जो पंक्ति है देखो आगे, ये उपवास की उन्होंने परिभाषा दी। कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघन तम विदु। कषाय विषय आहार। अब आहार का नंबर रखा 3 पे। सबसे पहले किसको कहा? कषाय। ये त्याग करना मुश्किल है ज्यादा, आहार त्याग करना आसान है। क्या कषाय? कषाय तत्व ज्ञान के बिना मिटेगी नहीं। कषाय को समझे पहले, कषाय मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है, दुख का कारण है, आकुलता का कारण, तो मिटे। तो कषाय के त्याग करना, विषय 5 इंद्रिय के विषय भोग का त्याग और आहार का त्याग, इन तीनों का त्याग यत्र विधीयते जहाँ विधान किया जाता है। उपवास विज्ञेय, उसको तुम उपवास जानना, और शेषम शेष क्या जानना? लंघन कम है, शेष सब लंघन। क्या जहाँ इन 3 चीजों का त्याग है वहाँ उपवास है, तीनों का। शेष लंघन है। लंघन क्या होता है मालूम है? लंघन मालूम नहीं? मालूम क्या होते थे? पहले वेद्य होते थे, तो वेद्य नाड़ी देखते थे और नाड़ी देख के केवल एक शब्द उन्होंने बोला, दो लंघन, तो उसकी दवाई हो गई, चले जाता था। बोले इसका मतलब क्या है? 2 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, अपने आप लोग ठीक हो जाए। तो उसने 2 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन वो उपवास कहलाएगा क्या? वो नहीं कहलाएगा, वो लंघन है। और हम जी क्या किसकी बात कर रहे हैं? उपवास की। तो इसने नहीं खाया पिया तो उसका नाम उपवास हो जाएगा कि नहीं? इसने इन 3 चीज़ का त्याग किया कि नहीं किया? केवल आहार का ही त्याग नहीं, कषाय का त्याग नहीं किया, विषय का त्याग नहीं। क्योंकि वो जो वैद्य के कहने से जो रोगी ने छोड़ा है वो शरीर के लिए छोड़ा है, आगामी काल में विषय भोग सकूँ इसलिए छोड़ा, कषाय के त्याग के लिए नहीं छोड़ा है। और ये जो छोड़ा जा रहा है जिसका नाम उपवास है, जो तप संज्ञा पाएगा, वो कब पाएगा? जब उसमें 3 चीज़ों का त्याग होगा, कषाय का, विषय का, आहार, तीनों का त्याग होगा तब उपवास। जहाँ विषय कषाय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। अब देखो इसका बहुत बढ़िया तर्क। अब ये इसने बहुत सुन ली, बहुत हो गया। अब वो क्या कहता है देखो, अब वो धमकी देता, सुनो यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे, तुम हमारे उपवास का सर्टिफिकेट छीन रहे हो। हम इतनी मेहनत करी, इतने करे उपवास और तुम कह रहे हो कि हमारा उपवास तप नहीं है, इससे निर्जरा नहीं होगी और बल्कि अच्छे परिणाम नहीं होंगे, तो पुण्य बंद भी नहीं होगा, हम कल से बंद कर देंगे सीधे से। मैंने वो सीधे पंडित जी को धमकी देना। यदि ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो कि तीनों का त्याग है तो ही उपवास है, तो हम कल से खाना भी नहीं छोड़ेंगे, बोलो। यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। तो उसका उत्तर सुन, उससे कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है भैया। जो कर रहे हो वही बढ़िया, तो उल्टा क्यों ग्रहण करता है? क्या अपन किसी को कहे बच्चे को कि बेटा ये नहीं फर्स्ट नहीं बनी है, फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, भीख मांगना पड़ेगी, माँ कितनी समझ बोलो, पढ़ना भी छोड़ देगा, छोड़ दे तो छोड़ दे, तो क्या करेंगे उससे? पढ़ना इस भय से कि वो कहीं जितना पढ़ रहा है उतना ही पढ़ना छोड़ दे, क्या हम उसको आगे बढ़ने के लिए नहीं कहेंगे? लोक में तो पिता उसको हमेशा ही ताने देता है, बेटा और पढ़ और पढ़ और पढ़। वो ये भय तो ही नहीं करेगा अरे ये कहीं ऐसा नहीं हो, इसलिए अपन कह रहे हैं कल से पढ़ नहीं छोड़। लोक में कोई डरता नहीं उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, लोक में तो हम निर्भयता से उसकी सारी चीज़ों की भी हम प्रशंसा नहीं करके कोई कमी होती है वही बताते हैं उसको, और उस तरह से करते हुए और कर और कर। कभी कोई ये नहीं समझा जाता लोक में, कह रहे तुम इतना कह रहे हो कल से स्कूल जाना बंद कर देंगे, ये स्कूल जाना बंद नहीं करेगा और अच्छे से पढ़ेगा। ये अभी थर्ड डिवीजन आ रही है, थर्ड डिवीजन से कुछ नहीं होता, थर्ड डिवीजन से क्या होने वाला? तो फर्स्ट डिवीजन लाओ, तो कोई कहे कि नहीं साहब फर्स्ट डिवीजन का आप कहोगे इसको तो ये कल से पढ़ नहीं छोड़ देगा। तो भैया उपदेश काय के लिए दिया जा रहा है? ऊँचा चढ़, इसका उल्टा अर्थ लगाना ही नहीं। जिनवाणी में जहाँ कहीं भी उपदेश है ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे गिरने की तो बात है ही नहीं। तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे बताओ? हम तेरे से जो कह रहे हैं वो तो करना नहीं तेरे को, तो हम तो ये भी छोड़ देंगे, तो तू छोड़ तो छोड़, हमारा क्या बिगड़ गया? हम तो तेरा अच्छी बात कह रहे हैं कि अच्छे से कर, क्या कषाय और विषय छोड़, तो तू कह नहीं मैं तो आहार जो छोड़ रखी थी वो आहार भी ग्रहण करने लग जाऊंगा, तो कर, हमारा क्या होगा? हमको किसकी धमकी दे रहा? तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे? और सुन देख, यदि तू पहले ही मान आदि से उपवास आदि करता है, हम कह रहे हैं तू कि मान छोड़ और तू कह तू मान से ही उपवास करता है, तो हम कहते हैं तू कर या मत कर, क्यों? कुछ सिद्धि नहीं, कोई विशेष सिद्धि कुछ नहीं हो, कर मत कर। ये तेरे को सचमुच मान ही चाहिए और हम तेरे मान के निषेध कर रहे हैं और वो तेरे को बात बुरी लग रही है, तो हम कह रहे हैं तू कर नहीं कर, कोई ज़्यादा सिद्धि होने वाली नहीं। और यदि तू धर्म बुद्धि से करता है, धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है, तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, बढ़िया। परंतु इसी को तब जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो, तो इतनी सी बात है। क्या तेरे को ये कहा कह रहे हैं कि तुमने जितना आहार का राग छूटा उसको, मतलब आहार का राग छूटा है तो उस राग को कर, आहार ग्रहण कर, ये कौन कह रहा है तेरे से? जितना आहार छूटा उतना ही अच्छा, आहार छोड़ा तो वही अच्छा। लेकिन हम कह रहे हैं कि आहार छोड़ा है तब तो साथ में ये भी छोड़ दें, क्या श्रद्धांत तो कम से कम ठीक कर, अभी तो मानने को ही तैयार नहीं। अरे कहता तो आदमी का इतना कलेजा तो हो कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे कि हाँ मैंने अभी केवल आहार का लाभ छोड़ा है, मैंने अभी विषय कषाय नहीं छूटे और अभी मेरा सच्चा तप नहीं हुआ। फिर तो उसको बात ही एकदम वो लगा, अरे भैया अपनी गलती हो, अपनी गलती यदि पता चल रही है तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी? और नहीं है वो तप तो नहीं है, सच्चा तप नहीं है तो नहीं है, सच्चा तप जान के सच्चा तप कर। और ये तूने धर्म बुद्धि से भोजन का राग छूटा तो उतना ही अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, उतना ही ठीक, क्या? लेकिन बस इतना ही है कि तू इतने को तप मानकर और इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो, फाइल क्लोज हो जाएगी नीचे। और फाइल क्लोज हो गई जब धर्म की तो बहुत बड़ा खतरा है उसमें, मैंने आगे सोच नहीं रहेगी कुछ कि आगे क्या करना, आगे बढ़ने का अवसर नहीं रहेगा। और ये तो ऐसा निरंतर आगे बढ़ने का मार्ग है, रुकने का नाम थोड़ी नहीं इसका। संतुष्ट होकर खड़े हो गए, अपन जो कर रहे हैं खत्म, द एंड, ये नहीं। ये तो निरंतर कंटिन्यूअस ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट का नाम धर्म है, कंसिस्टेंट ग्रोथ, जितना हुआ उतना तो बढ़िया ही है और आगे अपने को करना है। पाप छूटा, पुण्य बंद हुआ, अच्छा ही है, लेकिन अब ये पुण्य बंद को भी छोड़ के हमें शुद्ध उपयोग की प्राप्ति और अच्छा, समझ में आएगा? मैंने वो पुण्य को छोड़कर शुद्धोपयोग को प्राप्त करने की प्रेरणा दी, उसका मतलब ये नहीं कि वो पुण्य छोड़ के पाप में जाए। कोई अभी उसको समझे कि पुण्य का निषेध है तो इस पाप में जाने की कह रहे हैं, या कोई को आहार का निषेध कर रहे हैं कि आहार का त्याग किया उसके नाम तप नहीं है तो इसका मतलब आहार करने की कह रहे हैं। आहार करने की नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना कि तीनों के त्याग का नाम तप है, आहार तो उसमें शामिल ही है। इन आहार के साथ में जो जिन दो चीज़ों पर तेरा ध्यान नहीं जाता है, हम बार बार उस पर इसलिए इंफेसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो आहार पर तो पूरा 100% जोर है और ये दो एजेंडा भी नहीं। तो ये कह रहे हैं हमें, इसलिए इससे निर्जरा, इन्हीं को तप मानकर, इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। और देखो आगे थोड़ा सा ये एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ मैं। तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, व्रत, स्वाध्याय, त्याग, वो विसर, त्याग नहीं विसर, और ध्यान रूप जो क्रियाएं, उनमें बाह्य प्रवर्तन, उसे तो बाह्य तपवत ही जानना, उसको बाह्य तप के समान जानना, मैंने उनमें भी जो बाहर की क्रियाएं हैं वो भी अंतरंग तप नहीं है। समझ में ही बात, माने तेरी जो क्रियाएं हैं, विनय की क्रिया, शरीर की क्रिया, वैयावृत्ति रूप क्रियाएं और स्वाध्याय रूप जो क्रिया, ये जो भी अपन क्रिया कर रहे हैं, ध्यान रूप जो क्रिया, जो देह की जो भी क्रिया बाहर से दिख रही है, वो सारी जो दिखने वाली चीज़ है, जो बाह्य क्रिया जो लोगों को दिखती है, तो कह रहे हैं दिखने वाली चीजें तो बहिरंग तप ही है, वो भी अंतरंग तप नहीं है। जैसे ये उपवास आदि बाहर में दिखता है इसलिए इसको बहिरंग तप कहा है, ऐसे उन अंतरंग तपों में भी जो बाह्य क्रियाएं हैं उसको तो तू बाह्य तप के समान जानना, वो भी अंतरंग तप ही होगी। अंतरंग तप क्या है? अंतरंग तप तो आगे कहेंगे। देखो अंतरंग जो परिणामों की शुद्धता है उसका नाम अंतरंग तप है। आगे पढ़ता हूँ, देखो जैसे अंशन आदि बाह्य प्रकार बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार ये भी बाह्य क्रिया है शरीर की, माने कुछ भी वैयावृत्ति आदि क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। तो फिर क्या है? ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप जानना। ठीक है, बाकी कल